सर मैंने आपकी बुक पढ़ी लास्ट वीक पूरी प्रॉपर, अच्छा ओके ओके मतलब बहुत सारा रिवीजन हुआ और बहुत सारी चीजें क्लिक भी हुई सर। तो वहां पे उसमें आपने एक मेंशन किया है सर कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डिज डज इट हैपन टू मी ऑल द टाइम, व्हाई डू आई फेल, व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल, तो सबकॉन्शियस माइंड एविडेंस कलेक्ट करता है। और वो व्हेन आई से कि व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल, तो सबकॉन्शियस इज कलेक्टिंग द एविडेंस, वो आपको बताता है कि आप क्यों अनसक्सेसफुल हो। तो व्हाट आई थॉट कि अगर मैं अपने आप से ऐसे सवाल पूछूं कि व्हाई आई एम सक्सेसफुल, तो देन सबकॉन्शियस माइंड विल कलेक्ट ऑल द एविडेंस ऑफ व्हाई आई एम सक्सेसफुल। हाँ एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि क्योंकि आप कल से देखो। मैंने, सॉरी सर, सॉरी नहीं नहीं सर, आप बोलो, पहले आप कंप्लीट करो फिर मैं क्योंकि बोलता हूँ। आप कल से मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। कल मैंने दोपहर को आपकी बुक पढ़ी और देन आई स्टार्टेड आस्किंग रिवर्स क्वेश्चन। जो मुझे चाहिए वो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो जैसे कि व्हाई आई एम सक्सेसफुल, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगी। सो व्हाई माई फ्यूचर विल बी ब्राइट, तो देन अगेन ऑल द थिंग्स आर पॉपिंग अप। तो आई एम एंजॉय सर, व्हाई यूनिवर्स इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, तो ऑटोमेटिकली चीजें, तो ये इट्स वर्किंग। मतलब कल से तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम आस्किंग द रिवर्स क्वेश्चन। अभी तक आई एम आस्किंग सम नेगेटिव क्वेश्चंस टू माय सेल्फ, लेकिन अभी मैंने वो कल जैसे ही मैंने पढ़ा तो आई स्टार्टेड रिवर्सिंग। तो वही मुझे पूछना था कि कभी कभी कोई चीजें नहीं होती, तो उस टाइम पे हमें व्हाई पूछना चाहिए या हाउ पूछना चाहिए सर? नहीं होती मीन्स एग्जाम्पल आप बताओ एक बार। अभी की एग्जाम्पल मतलब सर कि अभी सर मतलब अभी मुझे सपोज वर्कशॉप चालू करनी है, तो आई एम नॉट अ सक्सेसफुल ट्रेडर नाउ, तो व्हाई एम आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर अगर मैं पूछूंगा तो सबकॉन्शियस के पास कुछ नई आंसर्स होंगे, राइट? तो शैल आई आस्क हाउ हाउ कैन आई बिकम, और आई कैन आस्क व्हाई आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ऐसा। हाँ तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, है ना। जब आप पूछोगे व्हाई आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वो आपको आपके पर्सनालिटी के अंदर जो छुपे हुए रिसोर्सेज हैं, जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, है ना, वो आपके पॉपअप होना शुरू होंगे, यानी कि वो कनेक्ट होना शुरू करेंगे, राइट। कि व्हाई आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में जो क्वालिटीज है ना, वो पॉपअप होना शुरू हो जाएंगी। फिर जब आप ये पूछोगे हाउ कैन आई बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, तो आपका माइंड फिर वो आंसर्स को पॉपअप करना ढूंढना शुरू करेगा, यानी कि वो आरएएस आपका वर्क करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, कि नाउ यू लुक फॉर द सॉल्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे चारों तरफ, जो आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको सक्सेसफुल ट्रेनर बना सकते हैं, राइट। तो व्हाई और हाउ ये दोनों ही क्वेश्चंस, क्योंकि देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस के अंदर एक आप ऐसे समझो एक ड्राइविंग फोर्स है। जैसा आप क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आपका अनकॉन्शियस माइंड ड्राइव होगा। मतलब अनकॉन्शियस माइंड कैसे, ऐसे मेमोरी बैग की तरह है, कॉन्शियस माइंड इसके ऊपर है ना, लेवल वाइज अगर मैं बोलूँ तो जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो डीप इनसाइड जाता है अनकॉन्शियस के, और जो स्टोर्ड पीआईआरस हैं उसमें से कुछ पिक करके ले आता है अकॉर्डिंगली। तो जैसा आपका फोकस होता है, जैसे कहते हैं ना कि सेम सिचुएशन में अगर आपकी प्रॉब्लम थिंकिंग है तो यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, आपकी सॉल्यूशन थिंकिंग है तो यू कैन आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। तो क्यों, क्योंकि सिचुएशन वही है, लेकिन आपने माइंड का फोकस कहाँ रखा है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। करेक्ट सर, ओके ओके सर, तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा कि आपने शेयर किया है ना, इसे ट्राई करके टेस्ट करके। ग्रेट, एक्चुअली कल से सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो इट्स रियली अमेजिंग। मतलब आई कैन फील दैट रिजल्ट। तो अगर इसीलिए मैं बोला कि अगर ये जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट और नॉट, मतलब कि अगर मैं हाउ पूछता हूँ तो आई गॉट द आंसर नाउ।